आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, जिसे आप जो है वो बैंकिंग इंटरेस्ट या जो इंश्योरेंस कंपनी का इंटरेस्ट होता है उसे समझ सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसे जो है वो प्रॉफिट या सूद के जिम्मे में इसे समझ सकते हैं। सो ये जो इंटरेस्ट होता है ये दो तरह का होता है, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला होता है, दैट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये ईयरली, ये कंपाउंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईयरली जो है वो, क्योंकि इंटरेस्ट या प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है तो उसके जो वैल्यू होती है, जो फ्यूचर वैल्यू बन जाती है उसके ऊपर फिर से वो रेशियो बढ़ जाती है, इस वजह से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये ईयर टू ईयर वेरी करता है। जबकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये फिक्स होता है कि आप इस अपनी जो वैल्यू है, जो आपका डिपॉजिट है उसे 5 साल, 10 साल, जितने साल के लिए रखेंगे ये रेशियो ये वाली फिक्स होगी। और ये उसी जो आपने प्रीमियम या जो आपने इनिशियल वैल्यू डिपॉजिट करवाई है उसके ऊपर होता है। जबकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि 1 साल के बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से उस बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर फिर से दोबारा से इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड किस्म का इंटरेस्ट होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू आई प्लस आर पावर्स एन, और इसमें से अगर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है तो दैट इज ए माइनस पी। अब ये जो हमने यहाँ पे ए आई और पी और आर यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये यहाँ पे क्या है, तो ये जो पी है यहाँ पे ये प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब इनिशियल डिपॉजिट आपका जो है, दैट इज द प्रीमियम, कि आप कितने पैसे कितनी रकम इसमें जमा करवाते हैं। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रेट, ये जो रेट होता है, रेट मतलब ये परसेंटेज जो है ये कितने परसेंट है। जो बैंकिंग का करंट सिस्टम चलता है वो 14 to 17% जो है वो डिफरेंट बैंकिंग में वेरी करता है, कुछ वो 14% पे जो है वो ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं अगर आप लोन वहाँ से लेते हैं या गाड़ी वहाँ से लेते हैं, और कईयों का रेट जो होता है वो इस तरह से 17 तक जाता है। यहाँ पे जो टी मेंशन किया हुआ है, टी इज इक्वल टू टाइम, टाइम्स इन ईयर्स, टाइम्स इन, जहाँ पे जब भी मेंशन करेंगे टाइम इन ईयर्स जो है वो मेंशन करेंगे। अगर कोई मंथ यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे 24 मंथ है, 18 मंथ है, 36 मंथ है, तो आपने उसको भी जो है वो ईयर्स में ही कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि टाइम जो वो ईयर्स बेस पे होगा। तो ये जो टी है ये टाइम है। ए फॉर अमाउंट, ये फ्यूचर वैल्यू, मतलब हमारे पास प्रीमियम वो है जो हमने इनिशियल वैल्यू डिपॉजिट करवाई है और इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर यानी पी और आई को ऐड करने से, प्लस करने से जो हमारी वैल्यू बनेगी दैट इज़ ए या अमाउंट, या फिर इसे फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, जिसमें प्रीमियम जो हमने इनिशियल डिपॉजिट करवाया था और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट भी उसमें शामिल हो गया, तो वो जो है वो फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट या फिर ए बन जाए। ये जो एन है ये भी नंबर ऑफ ईयर्स है, लेकिन ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ पे देखें आपको टी नहीं नज़र आ रहा, टाइम ईयर, तो ये इसको जो है वो एन से मेंशन करते हैं। जबकि ये सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे ये टी के साथ ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जी बढ़ते हैं इसके जो हम 3 एग्जांपल्स लेंगे डिफरेंट, जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, जिशान डिपॉजिट आरएस 10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम भी आ गया, इनिशियल डिपॉजिट या प्रीमियम भी आ गया और रेट भी आ गया, दैट इज द 5%। फाइंड हिज इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज द प्रीमियम, यानी कि जो इनिशियल डिपॉजिट है दैट इज 10,000, रेट उसका 5% है, जो परसेंट है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 में, एंड टाइम इज 4 ईयर्स, ये यहाँ पे ऊपर मेंशन था, यहाँ पे 4 ईयर्स। इसके फार्मूले में हमारे पास है आई इज इक्वल टू पी आर टी, यहाँ पे हमारे पास पी इज इक्वल टू 10,000, रेट इज 0.05 एंड टी इज इक्वल टू 4, टाइम इज 4 ईयर, तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 2,000। अब उसका इनिशियल डिपॉजिट था 10,000 और उसका इंटरेस्ट बना है 2,000 आफ्टर 4 ईयर्स, और हमने यहाँ पे इसकी फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि 4 ईयर्स के बाद उसका जो डिपॉजिट था वो कितना बन गया। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, हमने प्रीमियम और इंटरेस्ट को ऐड करना है, ये मैंने यहाँ पे बताया था पिछली स्लाइड में। तो ये हम प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट दैट इज 10,000 और 2,000 उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो उसकी जो अमाउंट है या फ्यूचर वैल्यू है दैट विल बी 12,000।
तो ये इस क्वेश्चन में जो दोनों पार्ट दिए हुए थे वो इजीली इस तरह से 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उबैद डिपॉजिट आर एस 50,000 इन अ बैंक एट रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड ही विदड्रॉ हिज अमाउंट आफ्टर 18 मंथ। अब यहाँ पे मंथ दिए गए, यही बात समझाने के लिए ये एग्जाम्पल इसमें शामिल किया कि यहाँ पे अगर मंथ दिए तो हमने क्या करना है, उसको भी हमने ईयर्स में ही कन्वर्ट करना है। फाइंड हिज इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। सो हमारे पास प्रीमियम है 50,000 और रेट है 5%, जिसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 0.05। टाइम 18 मंथ है तो हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे और ये ईयर्स में हो जाएगा 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल बनेगा ये। इसमें हमारे पास जो फार्मूला दैट इज़ आई इज इक्वल टू पी आर टी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 जो ईयर थे, तो ये बन गया 3,750 रुपये, 3,750। ये इंटरेस्ट है। जब इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बताया कि हम इसी इंटरेस्ट को इसकी जो प्रीमियम था, जो इनिशियल डिपॉजिट था, उसमें ऐड कर देंगे तो वो इसका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू विल बी प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट, और ये 50,000 प्लस 3,750 विल बी एडिड अप टू 53,750। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट हो जाएगी। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है कि वहाँ पे आपको मोस्टली जो है वो 4 ईयर 5 ईयर यहाँ पे कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसमें जो है वो 5th ईयर का कहा जाएगा या 6th ईयर का कहा जाएगा, इस तरह से ईयर्स लिखा हुआ होगा। सो जिशान डिपॉजिट आर एस 30,000 इन बैंक 10% इंटरेस्ट रेट एंड हिज फ्यूचर फाइंड हिज फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। यहाँ पे भी सॉरी ये 4 ईयर नहीं है, यहाँ पे भी 5 ईयर आएगा और 5th ईयर में जो है वो उसको कैलकुलेट करना है, तो 5th ईयर का मेंशन होगा। वहाँ पे देखें तो अपने प्रीवियस स्लाइड में आपको जो वो 4 ईयर्स बताया जाएगा, 3 ईयर्स बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो 5th ईयर बताया जाएगा, मतलब इसमें THSA 5th बताया जाएगा यहाँ पे। सो हमारे पास है प्रीमियम है 30,000, उसने 30,000 रेट है इसका 10%, 10% को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 0.1 और टाइम है इसमें 5 ईयर। तो हमारे पास फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इज इक्वल टू पी इंटू आई प्लस आर टी। ये आई है वन नहीं, सॉरी वन है आई नहीं है, वन प्लस आर टी। सो ए विल बी इक्वल टू 30,000 इंटू वन प्लस रेट है हमारे पास 0.1 और ये जो है वो एन यहाँ पे 5 ईयर था, 5th ईयर के बाद हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी एडिड अप टू 1.1 इन और इसकी पावर है 5। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1.61 और 1.61 को जब 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी एडिड अप टू 48,300। अब ये फ्यूचर वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 48,300। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फार्मूला अमाउंट के लिए फार्मूला होता है कि हम प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट ऐड करते हैं। जब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट में से फ्यूचर वैल्यू में से प्रीमियम को माइनस कर देंगे, 48,300 में से माइनस करेंगे 30,000, तो 18,300 ये इसका यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। जी बेटा, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से देख लेंगे। बस यहाँ पे करेक्शन है कि यहाँ पे ये 5 ईयर्स आने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।